अगर हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो पहले भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान को छूती थी। शायद आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वर्ष 980 में यानी आज से करीब 1000 साल पहले अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था और वो एक हिंदू राजा थे, लेकिन मुसलमान सुल्तानों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर चला गया। अब आप जरा विचार कीजिए कि आज पैदा होने वाली भारत की पीढ़ी क्या इस बात पर कभी भरोसा कर सकती है कि अफगानिस्तान में कभी हिंदू बहुसंख्यक थे और वहां के राजा हिंदू हुआ करते थे। छठी शताब्दी में यानी आज से करीब 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म सऊदी अरब से दुनिया में फैलने लगा और यह ऐतिहासिक सत्य है कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ वैसे वैसे भारत की सीमाएं छोटी होती चली गई। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। आखिरी बार भारत का नक्शा 1947 में बदला जब पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग हो गया और दुख की बात यह है कि इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ, यानी तब भी भारत के टूटने की वजह इस्लामिक कट्टरता ही थी। लेकिन यह सिर्फ 100 या 200 वर्षों का इतिहास नहीं है, पूरे 1300 वर्षों तक यानी 1300 वर्षों तक भारत में हिंदुओं का दमन हुआ। भारत पर सबसे पहला सफल हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक किताब में इस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया है। इस किताब का नाम है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें से कुछ पढ़कर आपको आज सुनाऊंगा। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस किताब को लिखा है। ये देखिए, ये वो किताब है, इसी को आज मैं कोट करने वाला हूं आपके सामने। भारत पर पहला हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय के बाद अरब के खलीफा हजाज को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में क्या लिखा था इसका जिक्र बी आर अंबेडकर की इस किताब में मिलता है और क्या उसमें लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, इस संबंध में हजाज को भेजे गए एक पत्र में मोहम्मद बिन कासिम का एक उल्लेख विचारणीय है। राजा दाहिर के भतीजे, उसके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है अथवा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बनाए गए हैं, कुतबा पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो सके, तकबीर और अल्लाहु अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती हैं। यह पत्र राजा के सिर के साथ भेजा गया था। इसे प्राप्त करने के बाद हज ने अपने सेनापति को निम्नलिखित पत्र भेजा। अब हजाज ने क्या वापस पत्र भेजा वो भी सुनिए। उन्होंने लिखा अपने सेनापति को, इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटे को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेदभाव ना करो, खुदा का कथन है कि मूर्ति पूजकों से कोई रियायत ना बरतो। मूर्ति पूजकों से यह मतलब है हिंदुओं का, मूर्ति पूजकों से कोई रियायत ना बरतो अपितु उनके गले काट दो। ये समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अभयदान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इसके बाद उन दुश्मनों के अलावा जो सामान्य सैनिक हैं किसी को न बख्शो। ये बी आर अंबेडकर की किताब है। भारत में हिंदुओं के नरसंहार का एक लंबा इतिहास रहा है और वो भी आज हमने आपके लिए निकाला है। वर्ष 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 100,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। मेवात आज भारत के हरियाणा राज्य का जिला है। वर्ष 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करके 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। वर्ष 1353 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल में 180,000 हिंदुओं का कत्ल करवाया और वर्ष 1365 से लेकर 1367 तक दो वर्ष के अंदर 500,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया। इसके बाद वर्ष 1398 में तैमूर लंग की सेना ने दिल्ली पर हमले से पहले 100,000 हिंदू कैदियों की हत्या करवाई। मुगल सम्राट अकबर ने नरसिंहपुर में 48,000 हिंदुओं का नरसंहार करवाया था।
ये जगह अब मध्य प्रदेश में है और वर्ष 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करके 30,000 हिंदुओं को मरवा दिया था। इस हमले में 8,000 राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था, यानी खुद को मार डाला था। वर्ष 1338 में ईरानी हमलावर नादिर शाह ने भारत पर हमला करके 2 साल के अंदर 3 लाख हिंदुओं को मरवा दिया था। इसके बाद हिंदुओं को थोड़ी राहत मिली क्योंकि पंजाब में सिख और महाराष्ट्र में मराठों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन इसके बाद वर्ष 1947 के पहले भी हिंदुओं के कई नरसंहार हुए। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में 2000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। इस नरसंहार की वजह खिलाफत आंदोलन को बताया जाता है। इसके बारे में भी हमने आपको कल पूरी जानकारी दी थी। और वर्ष 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दी थी। तब कलकत्ता में दंगे हुए थे और इन दंगों में भी 7,000 से 10,000 के बीच हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। और इसी साल नोआखाली में ही जिन्ना की मुस्लिम लीग के इशारे पर दंगे हुए जिसमें 5,000 हिंदुओं को मार दिया गया था। नोआखाली आज बांग्लादेश में है। इसके बाद जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। हमने जिन इतिहासकारों की किताबों से इन संदर्भों को लिया है उन सभी किताबों का नाम भी आपको इन तथ्यों के साथ साथ हमने आपकी स्क्रीन पर दिखाया है। अगर आप चाहें तो अपने तौर पर भी रिसर्च कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर इतिहासकार और विद्वान भारत से नहीं है, भारत के बाहर के हैं और ये ब्यौरा यूरोपीय इतिहासकारों की किताबों से लिया गया है। संघ और दूसरे कई हिंदूवादी संगठन हिंदुओं पर हुए इन्हीं अत्याचारों की बात कहकर हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी करते हैं और इसके पीछे जो वजह है उसी को समझाने के लिए हमने